अरे भैया एक मैंने आखिरी बात करनी, मुझे आप इजाजत देंगे, बहुत ही डिस्गस्टिंग, घटिया और इखलाक से उतरा हुआ एक ट्वीट किया है इम्तियाज आलम साहब ने थोड़ी देर पहले, वो क्या? जिस पर इन्हें शर्म आनी चाहिए। इन्होंने मेरे प्राइम मिनिस्टर की एक घटिया तस्वीर बनाकर एक हमारे ब्रदरली इस्लामिक कंट्री के जो किंग हैं या किंग के बेटे उनके साथ प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ ट्वीट की है। इन्हें शर्म आनी चाहिए, ये जो गंदगी अपने दिमाग में सोचते हैं ये ट्विटर के ऊपर भी कर देते हैं और उसके बाद यहां पर बैठकर इतनी मुअज्जज भाषण देते हैं डेमोक्रेसी के रवैये बदलने के और पता नहीं क्या करने के। तो सदीकी साहब के रेफरेंस, एक मिनट मुझे बात करनी, मेरे दिल के बड़े करीब है, ये बात मैं आपको बता दूं। इम्तियाज आलम साहब आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे घटिया ट्वीट करने की जिसमें आप अपने एक ब्रदर की तुम्हें आनी चाहिए बकवास करते हो हर बार स्ट्रेन करने की। अगर मैं उसके ऊपर बात करूं तो तब बुरा ना शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, ये बिठाया हुआ आदमी को शर्मनाक तुम्हारे लिए, ये मैं आपको गालियां दे रहा हूँ, ये आपका ट्वीट है, ये आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, आप इस उम्र में हरकतें करते हैं, ये ट्वीट किया मैं गालियां दे रहा हूँ आपको, मेरा तो आपके साथ बैठना तोहीन है, आप जैसे बदतमीज इंसान के साथ मेरा तो बैठना तोहीन है, आप बदतमीज हैं, आप मेरे से उम्र में बड़े हैं ये ठीक है लेकिन आप बदतमीज हैं डॉक्टर शहबाज, आप बदतमीज हैं डॉक्टर, ये आपकी औकात, ये आपकी करतूत है, आप बदतमीज हैं, आप मुनासिब नहीं है, आप बदतमीज हैं। इम्तियाज आलम सर ये क्या ट्वीट, आप बकवास कर रहे हैं, मैं मुझे शर्म आती है कि हम आप जैसों को स्कॉलर और ऐसे कहते हैं भाई, ये क्या कोई शर्म नहीं है, मैं कोई बात नहीं करूंगा, आपके प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, और वो ये है ट्वीट का जवाब दे, इनको जवाब देना अपनी करतूत का, कानून को ऑब्जर्व कर। अब देखिए दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं ऐसे पूरे 5,000 बच्चर दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, इन्होंने बिठाए हुए ट्रॉल सोशल मीडिया पे, इन्हें शर्म आनी चाहिए, पूरी एक जनरेशन तबाह कर दी, बहनों की बेटियों की गाड़ियां, आपको भी हमने तबाह कर दिया बुढ़ापे में,